तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ आप लोग एटीट्यूड निकनेम कैसे बना सकते हो। इसके साथ आप लोगों को निकनेम चेंज करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि आपको सॉल्यूशन रहने वाला है और आप लोग स्टाइलिश नेम कैसे कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कैसे आप लोग बना सकते हो। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्री फायर स्टाइलिश नेम, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे देख सकते हो आप लोगों को पहला साइट ही देखने को मिल जाएगा स्टाइलिश नेम। तो यहाँ पे देख सकते हो निकनेम फाइंडर के नेम से पहला साइट आने वाला है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप लोग सर्च भी कर सकते हो, कुछ भी आप लोग अपना नेम भी डाल के सर्च कर सकते हो, वो भी स्टाइल में बना हुआ जाएगा या आप लोग अपनी तरह से बना सकते हो। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैंने एक नेम कॉपी किया है और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हमने कर लिया। जैसे आप लोग क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम नेम डालते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, उसका सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे आप लोग पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ओके करने के बाद लिखा रहा है टू शॉर्ट टू लॉन्ग। तो गाइस आपको बता दूं, या तो आपका नेम ज्यादा छोटा है या ज्यादा बड़ा है। तो गाइस ये आप लोग देख ही पा रहे हो, नेम ज्यादा बड़ा है क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ गिरना 12 अक्षर का ही नेम आप लोग डालने को बोला जाता है। 12 अक्षर ही आप लोग डाल सकते हो। कुछ स्टाइलिश नेम होते हैं जैसे ये आर है तो ये डबल लेने वाला है, मतलब दो अक्षर का काम करेगा, दो वर्ड का ये लेने वाला जगह है। तो गाइस आपको बता दूं, इस प्रकार आप लोग क्लोज करके मतलब कुछ यहाँ पे वर्ड को आप लोग हटा सकते हो। उसके बाद ये कंफर्म करने को आ जाएगा, मतलब टोटल आप लोगों को 12 वर्ड ही रखने हैं तब आप लोगों को कंफर्म करने का आ जाएगा। इसके साथ अगर आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम आ रहा है जैसे निकनेम ऑलरेडी एक्सिट, तो गाइस उसके अंदर आप लोगों को छोटा मोटा चेंजमेंट कर देने हैं क्योंकि वो निकनेम पहले से अपने गेम के अंदर किसी ने किसी बंदे ने रखा हुआ है, तो उसको चेंजमेंट कर लेना, तब आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का अपना नेम कैसे बनाना है। तो जो आप लोगों को अलग अलग शब्द यहाँ पे कॉपी कर लेना है क्योंकि भाई सीधा कॉपी पेस्ट तो सभी करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अलग अलग यहाँ पे वर्ड ले लेने, उन वर्ड को आप लोगों को कॉपी करके यहाँ पे नोटपैड में डाल लेने। उन नोटपैड से आप लोगों को एक नेम बनाना है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को पसंद आए, जो भी आप लोगों को स्टाइल पसंद आए, जैसे एन अलग ले सकते हो, आर अलग से ले सकते हो, आपका नाम नवीन है तो जैसे एन अलग ले लिया, ए अलग ले लिया, इस प्रकार आप लोग ले सकते हो। तो अलग अलग वर्ड आप लोग उठा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सभी कॉपी कर लिए हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी मुझे पसंद आ रहे थे वो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जो नोटपैड है अपना उसके अंदर डाल लूंगा, ठीक है। उससे मैं एक नेम बनाने वाला हूँ, उस नेम को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपने फ्री फायर के अंदर। तो गाइस आप लोग इस प्रकार बना सकते हो अपना खुद का नेम, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, नोटपैड के अंदर डाल लेना है। और भाई आप लोग अपने नेम में स्पेस कैसे दे सकते हो, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने डू और डाई कॉपी करके लेके आया हूँ, इसके अंदर आप लोगों को स्पेस देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस ये स्पेस हम यूज करने वाले हैं, अपने नेम में स्पेस भी देख के आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने ये नेम बना लिया, इसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे तो यहाँ पे डू और डाई के बीच में जो भी वर्ड है, ठीक है, आप लोगों को इसको सिंपली कट कर लेना, मतलब दिख नहीं रहे वो वर्ड तो है, वो दिख नहीं रहे, उसको आपको कट कर लेने, कट करके आपको यहाँ पे डाल देने। जैसे आप लोग डालोगे आप लोगों को यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और इसको आप लोग कॉपी करके अपने गेम में डाल सकते हो। तो वह जिस प्रकार आप लोग अपना स्टाइलिश नेम बना सकते हो। आपको आई वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।